हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट टॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। संविदा शिक्षक भर्ती पर राजपत्र जारी हो चुका है, तो यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं आपको बताने आ रहा हूँ पूरी डिटेल। तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई, किस पोस्ट के कितनी वैकेंसी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, एज लिमिट क्या रहेगी, पूरी डिटेल यहाँ पर इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का राजपत्र यहाँ पर जारी हो चुका है। ये आपको, ये पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, 30 जुलाई को रिलीज़ की गई है। और ये कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आपको पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, जिससे कि आप भी इसको एक बार पूरा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक संवर्ग में ये नियम और शर्तें क्या रहेंगी, सभी यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो तरह से भर्तियाँ होनी हैं, एक सीधी भर्ती और एक जो है संविदा भर्ती। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे पदोन्नति के लिए पद आए हैं, जो मतलब जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं या पहले से वर्क कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए यहाँ पर पदोन्नति का अवसर है। दोस्तों, किस पोस्ट के लिए कब पदोन्नति और कितने कब होना है, किस पोस्ट से किसके लिए होगी, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की वैकेंसी के बारे में आप बताऊँगा। और दोस्तों, साथ में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, सभी डिटेल इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों, एक बात और, यहाँ पे 50% जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी डायरेक्ट 50% जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। उसके बाद किसको कितना रिजर्वेशन मिला है वो भी आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आयु में यहाँ पर लिखा हुआ है आयु। तो दोस्तों, यहाँ पे नियम शर्तें क्या रहेंगी सीधी भर्ती के लिए, आयु और अलग अलग। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो अधिकतम आयु है मतलब न्यूनतम आयु 21 वर्ष है आपकी। और अधिकतम दोस्तों, जो आपको छूट मिलती है सरकार के द्वारा, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो को अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु के परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम सीमा से 5 वर्ष से अधिक ना हो। तो दोस्तों, तो न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी है वो भी नीचे डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर अब दो चीज़ क्लियर कर ली है, यहाँ पे दो तरह से भर्ती होंगी, एक सीधी भर्ती एक संविदा भर्ती। साथ ही साथ दोस्तों, 50% जो वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। और दोस्तों, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे भराना मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक पात्रता कह रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए पदों की शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम 11 के उपनियम 5 के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो। तो दोस्तों, 11 नियम और उपनियम 5 में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ये क्या है दोस्तों। और फीस की अगर बात करें तो फीस जो भी दोस्तों निर्धारित फीस की जाएगी वो आपको पता चल जाएगी। अभी यहाँ पर बताया नहीं एग्जैक्ट कितनी फीस लगना है। और दोस्तों, निहारताएँ भी यहाँ पर दी हुई हैं कि आपको के पास क्या नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा, और बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूँ किस तरह से ये पीडीएफ आपको मिलेगी। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभी प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा परीक्षा चयन में उपस्थित होने के लिए निहित माना जा सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे, और एक और मैं पढ़कर बताता हूँ, कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधवक्ता अंतर्ग्रस्त हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी ये निहारताएँ दी गई हैं, आप यहाँ पे डिटेल भेज सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ जहाँ कितनी पोस्ट हैं किस उसके लिए हैं। तो चलिए बने रहिए। एक बात और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर होने के लिए प्रवग्र बार न्यूनतम अंक का प्रतिशत अनुसार होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे न्यूनतम 50% मांगी गई है वो किस किस के लिए है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर न्यूनतम जो परसेंटेज रखी गई है 50% रहेगी। और बाकी जो अदर कैटेगरी से यानी जनरल के लिए, तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी की 60% रहेगी। अब दोस्तों, आरक्षण किस प्रकार रहेगा रिक्त पदों के लिए वो बता देता हूँ। महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% आरक्षित रखे जाएंगे, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ 50% जो महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में नियमानुसार रहेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चार तरह से यहाँ पे इसमें सब डिविजन्स है, उसमें 1.5% यहाँ पे सबको रहेगा रिजर्वेशन, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है 10% रहेगा। और दोस्तों जो अगला है शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों, शिक्षक पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर पद रहेंगे, ये भी डिटेल में यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा है, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रह गए पदों को अन्य पात्रता वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अतिथि शिक्षक के अंदर नहीं आते और पद पूरे खाली रह जाते हैं, तो जो जो भी पात्रधारी रहेंगे यानी जिन जो क्वालिफिकेशन जिनके पास रहेगी उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पोस्ट का नाम, कितनी संख्या है, किस श्रेणी में आता है, वेतनमान कितना रहेगा, ये डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्राचार्य हाई स्कूल के 1050 पोस्ट हैं, द्वितीय श्रेणी में आता है, उसका जो वेतनमान रहेगा दोस्तों 93 से लेकर 34,800 पर रहेगा, और साथ ही साथ 4200 ग्रेड पर रहेगा इसका। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि 34,889 वैकेंसी है यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में आता है, ये भी ग्रेड पे इसका सेम ग्रेड पे डिफरेंट है, बाकी वेतनमान सेम रहेगा इसका, 3600 ग्रेड पे है। प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला इसमें 250 पोस्ट है, द्वितीय श्रेणी है, और दोस्तों ये किस कैटेगरी में आएगा, इसका कितना रिजर्वेशन किसको मिलेगा, वो भी नीचे डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा साथ ही साथ। अब दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक इसमें 60,686 पोस्ट है, ये तृतीय श्रेणी में आता है। प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला 250 पोस्ट है तृतीय श्रेणी में। प्राथमिक शिक्षक 1,25,243 पोस्ट तृतीय श्रेणी। खेलकूद शिक्षक 860 जो कि ए श्रेणी में, खेलकूद शिक्षक 931 जो कि श्रेणी बी में। प्रयोगशाला शिक्षक के 8,515 पोस्ट हैं यहाँ पर दी हुई डिटेल में, और सभी तृतीय श्रेणी में आते हैं। गायन वादन शिक्षक के लिए भी पोस्ट हैं, श्रेणी आ के लिए 150 और श्रेणी वा के लिए गायन वादन जो शिक्षक हैं उनके 700 पोस्ट रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सीधी भर्ती के द्वारा और पदोन्नति द्वारा कितने कितने डिवाइड हो चुके हैं वो भी यहाँ पर डिटेल में दिए हुए हैं। प्रचार स्कूल के 100,1050 जो पोस्ट हैं उसमें 100% पदोन्नति द्वारा होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक है उसमें 34,789 पोस्ट हैं, 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति के द्वारा होगा। प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला का 250 पोस्ट पूरी 100% पदोन्नति के द्वारा होंगी। माध्यमिक शिक्षक 60,686 पोस्ट में 50-50% दोनों तरफ रहेगा। प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला 250 पोस्ट पूरा सीधी भर्ती पदोन्नति के द्वारा होगा। दोस्तों बाकी प्राथमिक शिक्षक, खेलकूद शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, गायन वादन शिक्षक जो भी पोस्ट हैं दोस्तों वो सीधी भर्ती से पूरी पोस्ट भरा जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आयु कितनी मांगी गई है और शैक्षणिक अर्हता कितनी मांगी गई है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक 21 वर्ष न्यूनतम आयु, और दोस्तों अधिकतम आयु सामान्य द्वारा जो भी प्रशासन के द्वारा जो भी डिटेल बाद में जो डिक्लेयर किया जाएगा उससे आपको पता चल जाएगा। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष यहाँ पर होना चाहिए आपका। माध्यमिक शिक्षक की भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, और साथ ही साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। और भी दोस्तों यहाँ पर दी हुई है डिटेल में, और भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन अथवा करके लिखा हुआ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक की भी न्यूनतम 21 है, और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा उसके समकक्ष ये सब होना चाहिए या फिर अथवा बहुत सी कंडीशंस दी गई हैं यहाँ पर, ये आपको पूरी परिपूर्ण करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इसमें अपीयर हो पाएंगे। प्रयोगशाला शिक्षक के लिए दोस्तों विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा या उसके शारीरिक, और दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों खेलकूद शिक्षक के लिए भी न्यूनतम 21 है, और इसमें क्या मांगा गया है, शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी बीएड अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक बीपीई, और दोस्तों यहाँ पे बीपीएड था यहाँ पे बीपीई अथवा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में विज्ञान स्नातक बीएससी तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड और क्रियाविधि विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 55% अंकों सहित खेलकूद में डिग्री होना चाहिए आपके पास। तो ये खेलकूद शिक्षक के लिए दोस्तों यहाँ पर गायन वादन जो शिक्षक रहेगा उसके न्यूनतम आयु सेम रहेगी 21 वर्ष यानी, और कम से कम 50% तो साथ हायर सेकेंडरी बी म्यूज एम म्यूज विद गोविंद रत्न या वी म्यूज के साथ समकक्ष होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर
आप देख सकते हैं दोस्तों किस पोस्ट पर से पदोन्नति किस पोस्ट पर होना है, ये भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक से प्रचार हाई स्कूल बनेंगे दोस्तों आप, और इसमें मैक्सिमम जो मिनिमम एक्सपीरियंस है 5 साल का होना चाहिए, वो यहाँ पर होना चाहिए। आयुक्त, लोक शिक्षक, अध्यक्ष, ये सभी में दोस्तों ये विभाग में आप कार्य उसमें होंगे हो जाएंगे। अब माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक हो जाएंगे जिसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। माध्यमिक शिक्षक से प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला में आपका जो पदोन्नति हो जाएगी, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक और प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला ये भी हो जाएगा दोस्तों आपकी पदोन्नति। अब इसके अलावा दोस्तों प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के रूप में आपकी पदोन्नति हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों टिप दिए हुए ऐसे माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक जिससे शिक्षकों के राष्ट्रीय राज्य योजना पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रपति राजपद प्राप्त हो जाने पर उसे वरिष्ठ वेतनमान, क्रमोन्नत वेतनमान अथवा तत्स्थानीय उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत एवं पदोन्नति के योग पाए जाने पर इन नियमों के अधीन पारी भार पदोन्नति दे होगी। तो दोस्तों इस तरह के यहाँ पे और भी टिप्स दी गई हुई, आप यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना मैं आपको बता दूँ, लेकिन यहाँ पे संविदा पद जो शिक्षक की जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म वॉर्म कब से भराने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आपका लगभग 15 अगस्त के समथिंग समथिंग नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसी के आसपास आपके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों सीधे आपको ले चलता हूँ किस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं govpressmp.mic.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको जाना है सभी असाधारण राजपत्र, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये इस तरह का जो पेज है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 30 तारीख में स्कूल शिक्षा के विभाग से यहाँ पर नोटिस आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत यहाँ पे PDF दी हुई है दोस्तों, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।